नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेदिक औषधि काल मेघ आसव के बारे में। इस दवा के प्रयोग करने से हमारे लीवर और स्प्लीन संबंधी बीमारियों में लाभ मिलता है तथा किसी भी प्रकार के बुखार में इस दवा का उपयोग करने से जबरदस्त लाभ मिलता है, बहुत बढ़िया फायदा होता है। और इसके अलावा भी यह दवा अन्य कई रोगों को ठीक करने में उपयोगी होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसी काल में आसव के उपयोग से होने वाले फायदों के बारे में, उसकी मात्रा तथा प्रयोग विधि के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप मुझे हेल्थ एंड आयुर्वेदा इसी नाम से फेसबुक पेज पर तथा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे किसी बीमारी के संबंध में दवा संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो मात्र 250 रुपये इस दिए गए नंबर पर गूगल पे या फोन पे करके फिर अपनी समस्या मुझे बताकर दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। और अगर आप अपने कैरियर, बिजनेस, सरकारी नौकरी, शादी ब्याह या अन्य किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए ज्योतिष संबंधी सलाह चाहते हैं तो आप ज्योतिषाचार्य डॉक्टर तरुण जी से मात्र 501 रुपये देकर अपना कुंडली संबंधी समाधान प्राप्त कर सकते हैं, कुंडली संबंधी उपाय की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं काल मेघ आसव के बारे में। काल मेघ यह एक हर्बल औषधि है जिसका उपयोग रोगों के उपचार में आयुर्वेद में बहुत पहले से किया जा रहा है। और काल मेघ आसव में इसी काल मेघ के साथ कुछ अन्य जड़ी बूटियां जैसे कि कुटकी, करंज, कुटज, सप्तपर्ण, गिलोय, सरपुंखा और कुछ अन्य औषधियों को मिलाकर फिर उनका फर्मेंटेशन करके काल मेघ आसव को तैयार किया जाता है। और काल मेघ आसव का मुख्य घटक काल मेघ है, इसलिए इस दवा का नाम काल मेघ आसव है। यह सिरप फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और आइए अब जानते हैं इस दवा का उपयोग करने से क्या क्या लाभ मिलता है, यानी कि इस दवा का उपयोग करना कौन कौन सी बीमारियों में फायदेमंद होता है। काल मेघ आसव के फायदे। काल मेघ वर्क एज अ नेचुरल हिपेटो प्रोटेक्टर। काल मेघ आसव का प्रयोग करने से लीवर और लीवर के साथ साथ स्प्लीन तथा गाल ब्लैडर के रोगों को दूर करने में उपयोगी होता है। काल मेघ आसव के प्रयोग से हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, अल्कोहलिक लीवर, फैटी लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, जॉन्डिस, क्रोनिक लीवर डिसीज तथा लीवर इन्फेक्शन, इन सभी रोगों में लाभ मिलता है, अच्छा परिणाम मिलता है। काल मेघ आसव के प्रयोग से लीवर संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं, लीवर की कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं, लीवर की कार्यप्रणाली में सुधार होता है। और काल मेघ आसव के प्रयोग से लीवर अपने सभी कामों को सुचारू रूप से कर पाता है, जिससे खाने का पाचन सही ढंग से होता है, भूख खुलकर लगती है, गैस, बदहजमी जैसी शिकायतें दूर होती हैं तथा लीवर की कमजोरी के कारण होने वाली अन्य सभी समस्याएं इस दवा के प्रयोग करने से ठीक होता है। और काल मेघ आसव का प्रयोग करने से स्प्लीन यानी कि तिल्ली में होने वाली सूजन यानी कि स्प्लीनोमेगैली में लाभ मिलता है। स्प्लीनोमेगैली यानी कि तिल्ली का सूजन धीरे धीरे कम होता है और स्प्लीनोमेगैली के कारण होने वाली खून की कमी इस दवा का प्रयोग करने से ठीक होती है। और इसी तरह काल मेघ आसव लीवर और स्प्लीन के साथ साथ हमारे गाल ब्लैडर को भी प्रोटेक्ट करता है, उसके फंक्शन में सुधार करता है। काल मेघ आसव एक्ट एज एंटीपायरेटिक। काल मेघ आसव का उपयोग किसी भी प्रकार के बुखार जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, सीजनल फीवर, इन सभी प्रकार के बुखार को ठीक करने में अत्यंत उपयोगी होता है, प्रभावकारी होता है, लाभकारी होता है। क्योंकि काल मेघ आसव में काल मेघ के साथ साथ गिलोय भी होता है और इन दोनों को आयुर्वेद में ज्वर हर कहा गया है, यानी कि इन दोनों दवा के प्रयोग से बुखार उतरता है, ज्वर ठीक होता है। और इसके साथ साथ काल मेघ आसव एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, वर्मिसाइडल प्रॉपर्टी वाला होता है, जिससे इन कारणों से होने वाला बुखार ठीक होता है। अतः काल मेघ आसव का उपयोग ऐसी सभी प्रकार की बीमारियों में फायदेमंद होता है जिसमें या तो लंबे समय तक बुखार रहता है या ज़्यादा दिनों तक बुखार रहता है या ज़्यादा तेज बुखार रहता है। और ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा लंबे समय तक बुखार रहने से या ज़्यादा एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग करने से इसका दुष्प्रभाव हमारे लीवर तथा स्प्लीन पर पड़ता है तथा बुखार की वजह से मुंह में कड़वापन या फीकापन होने के कारण रोगी को भूख कम लगती है, खाना नहीं खिलाता है, जिसके कारण रोगी कमजोर हो जाता है, रोगी में खून की कमी हो जाता है। ऐसी दशा में काल मेघ आसव का उपयोग करने से यह रोगियों के लिए अमृत तुल्य फायदेमंद होता है, क्योंकि काल मेघ आसव अकेले ही फीवर तथा लीवर की परेशानियों को दूर करने में
अत्यंत असरकारक होता है, फायदेमंद होता है। कालमेघ आसव का प्रयोग करने से मलबद्धता दूर होती है, यह विरेचक प्रवृत्ति वाला होता है, यानी कि इस दवा का प्रयोग करने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, मल खुलकर आता है। खाने का पाचन सही ढंग से होता है, गैस बदहजमी की समस्या ठीक होती है, भूख अच्छे से लगती है, भोजन का खुराक बढ़ता है, जिससे रोगी व्यक्ति जल्द ही स्वास्थ्य लाभ ले पाता है। कालमेघ आसव का प्रयोग त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे कि कील, मुहासों, एक्ने, पिंपल, फोड़े, फुंसियों, इन सभी को ठीक करने में भी उपयोगी होता है। कालमेघ आसव का प्रयोग करने से कृमि की समस्या यानी कि पेट के कीड़ों की समस्या दूर होती है, कृमि, इस दवा का प्रयोग करने से पेट के कृमि मरते हैं। कालमेघ आसव का प्रयोग करने से इम्यूनिटी बेहतर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कालमेघ आसव का प्रयोग हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल रखने का काम करता है। तो इस प्रकार यह कालमेघ आसव लीवर और फीवर इनकी दिक्कतों को दूर करने के साथ साथ इस प्रकार अन्य कई रोगों में उपयोगी होता है, लाभकारी होता है। और आइए अब जानते हैं इस दवा की सामान्य मात्रा के बारे में। कालमेघ आसव को 10 ml से लेकर 20 ml की मात्रा में समान मात्रा में या एक कप गुनगुना पानी में मिलाकर सुबह और रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना चाहिए। रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार इसकी मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर आप लीवर संबंधी किसी बीमारी से परेशान हैं या बार बार आपको फीवर आ रहा है, लंबे समय से फीवर आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इस आयुर्वेदिक दवा कालमेघ आसव का उपयोग करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन इस दवा का उपयोग करने से पहले एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लेना चाहिए, ताकि वह आपके रोग और आपकी अवस्था के अनुसार इसकी उचित मात्रा का निर्धारण कर सके और इसके साथ साथ कुछ और अन्य दवाइयां लेना हो उसके बारे में भी आपको बता सके। और आप चाहें तो इस दिए गए नंबर पर सीधे 250 रुपये गूगल पे या फोन पे करके मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।